अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है आप हमेशा खैरियत रहें, खुश रहें। सो गाइस, आज का रिश्ता जो आपके हॉस्टली ना आप लोगों की खिदमत में लेकर रही हैं, बहुत प्यारा सा है। लेकिन इससे पहले उन भाई को मुबारकबाद जो कि रिश्ते के लिए सिलेक्ट हुए। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना बायोडाटा सेंड किया था, जिस वजह से इनके रिश्ते की सिलेक्शन हुई थी। बहुत ही अच्छी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो है सेंड की, जिस वजह से इनके रिश्ते की सिलेक्शन हुई। नाम इनका खूबसूरत सा प्यारा सा नवीद, और नवीद का ताल्लुक जो है जेलम से है। बहुत बहुत मुबारक नवीद कि आपके रिश्ते की सिलेक्शन हो गई है। सो गाइज, अगर आप अपने रिश्ते का सुलझ चाहते हैं तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छे तरीके से सेंड किया करें, ताकि आपके रिश्ते की जो सिलेक्शन है जल्द हो सके। सो गाइज, आज का रिश्ता जो है एक बहुत खूबसूरत सी तलाक याफ्ता का रिश्ता है, जिनका नाम उज्मा है। उज्मा तलाक याफ्ता हैं, इनकी एज जो है तकरीबन 34 साल। शादी करना चाहती हैं। इनका कहना है कि मेरी रिहाई जो है लाहौर है। तलाक याफ्ता हैं, तलाक हो गई है इनको, और इनका कहना है कि 5 नहीं हूँ, बस शोहर में कमी थी, और जिस वजह से औलाद ना हो सकी उनमें ही इफेक्ट था। लेकिन इस बात को वो मानने को तैयार नहीं थे, और फिर मैंने खुद ही अलग इख्तियार कर ली, क्योंकि मुझे बच्चों से प्यार है और बच्चों के लिए मैंने उनसे तलाक ली। अब दूसरी शादी करनी है बच्चों के लिए। सो गाइज, अगर आप में से किसी को ये पसंद आए तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। और इनका कहना है कि चाहे रिश्ता इनको पाकिस्तान में मिले या पाकिस्तान के बाहर, कोई मसला नहीं, बस लड़का जो है लाजमी अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, तो वही लड़का रابطہ कर सकता है, बाकी बिल्कुल रابطہ ना करें। बहुत प्यारा सा रिश्ता है। अगर आप में से किसी को भी अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना तो गाइस बनता है। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आती हूँ, और आपने क्या करना है, कम से कम वीडियो को लाइक और लाइक कर दीजिए। सो गाइस, बहुत प्यारा सा रिश्ता है। अगर आप में से किसी को भी अच्छा लगता है तो लाजमी मुझे बताइए अच्छा सा कमेंट करके। सो गाइज, इनका कहना है कि अपने वालदैन के घर हूँ। भाई जो हैं अच्छे हैं मेरे साथ, लेकिन भाभियाँ जो हैं उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, और वालदैन भी इस वजह से परेशान है। सारी बात है, वालदैन परेशान ही होंगे, जिनकी बेटी जो है परेशान होगी। और प्लीज़, अगर आप में से किसी को भी पसंद आओ तो आप मुझसे जल्द रब्ता कीजिए। मेरे वालदैन भी चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल सके। सो गाइज, अगर आप में से किसी को भी ये पसंद है तो आप जल्दी से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा बायोडाटा सेंड करके, प्यारी सी हैं, खूबसूरत सी हैं, तलाक याफ्ता हैं तो क्या हैं, लेकिन खूबसूरत हैं, अच्छा दिल रखती हैं। अगर आप में से किसी को भी पसंद है तो रब्ता कर सकते हैं। अच्छी सूरत की भी मालिक हैं, अच्छी सीरत की भी मालिक हैं, बस तलाक इनको हो गई है तो कोई मसला नहीं। खूबसूरत सा दिल रखती हैं, अच्छा दिल रखती हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखेंगी जो इनका जो है शोहर बनेगा, और आपकी फैमिली वालों को भी। सो गाइज, बहुत प्यारी सी हैं। अगर आप में से किसी को भी पसंद आए तो जल्दी से मुझसे रब्ता कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कल नए रिश्ते के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। सो टेक केयर।